हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें डाला है 2 करछी तेल डाली है इसमें, और इसमें डाले मैंने 6 प्याज डाले हैं, और मैं बनाने जा रही हूँ कटहल। तो इसको प्याज को फ्राई होने देते हैं। तो ये प्याज हो गया, फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले मसाले डाल लेंगे। तो मैं इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच देगी मिर्च का, ये मैंने मिर्चें डाल दी हैं, और वही 1/2 चम्मच डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डालूंगी मैं धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालूंगी मैं गरम मसाला, और 1 चम्मच डालेंगे हम नमक। ये हमने 1.5 चम्मच नमक डाल दिया इसमें। अब हम इसको इसमें डाल देंगे प्याज, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया। इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हमने मोटा मोटा काटा, रफली काटा हुआ है, और इसको इसी तरीके से पका के मसाले हमारे ये पक गए। और इसमें डाल देंगे हम कटहल। ये हमारे पास कटहल है, तो हम इसमें कटहल डालेंगे। तो तेल हमने इसलिए ज़्यादा डाला था इसमें ऑयल, क्योंकि अब ये कटहल जो है इसमें अच्छे से पक जाए। तो ये हमने कटहल डाल दिया इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस की लो को कम कर लेंगे और कटहल को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके ऊपर हम ढक्कन रख लेंगे और सिम आंच में बनाएंगे, एकदम तेज आंच में बनाएंगे। तो मसाला जलने का डर होता है, इसलिए हम इसको सिम आंच में बनाएंगे। देखिए मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा ढक लेंगे। अब हम इसे ढक लेते हैं। ये हमने ढक्कन रख लिया है, और इसको हम 4-5 मिनट के बाद खोलेंगे। तो एक बार हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। ये हमने ढक्कन खोल दिया, और इसको मिला लेंगे इस तरीके से। अभी थोड़ा सा और बनेगा। ये कितनी फर्स्ट क्लास है, कितना अच्छा रंग आ रहा है सब्जी का, कलर कितना प्यारा है। और इसको हम फिर 2 मिनट के लिए और ढक लेंगे इसको, और फिर इसके बाद गैस बंद कर लेंगे। तो अब हम इसके ढक्कन निकाल लेते हैं, और ये सब्जी बन गई है। तो अब हम गैस को बंद कर लेते हैं। गैस को हमने बंद कर लिया है, और इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास बॉल है, इस बॉल के अंदर हम सब्जी को डाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से, और ये हमने इसमें डाल दिया है सब्जी को, और ये कटहल की सब्जी बहुत अच्छी तरीके से बन गई है, बहुत आसान तरीके से, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसको बनाने में। और ये देखिए, ये हमने इस तरीके से रख लिए, और इसको हम एक ट्रे के अंदर रख लेंगे। तो दोस्तों, ये कटहल की सब्जी तैयार हो गई है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।